अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलेक्जेंड्रीन पैराकीट के बारे में, जिसे रात तोता भी कहते हैं उर्दू में। तो आज हम इसकी म्यूटेशंस, इसकी ब्रीडिंग्स, इसके चिक्स और सब प्राइजेस के वाले से बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसका जो असल नाम है, ऑफिशियल नेम जो है, वो है अलेक्जेंड्रीन पैराकीट, जो कि ये मीडियम साइज़ का एक पैरट है। और इसका नाम जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के उस पर रखा गया, क्योंकि वो जो बंदा था वो यहाँ से सब कॉन्टीनेंट से ये तोते एक्सपोर्ट करके यूरोपियन कंट्रीज़ में लेके गया था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये लेके गया था, जिसकी वजह से इसका नाम, इस तोते का नाम उस बंदे के नाम से मंसूब कर दिया गया है। और इस ये पैराकीट्स में से सबसे बड़ा पैराकीट है। ये पैराकीट्स जो होते हैं वो असल में पैरट्स होते हैं, मखसूस किस्म के मीडियम साइज़ के पैरट्स को पैराकीट्स कहते हैं। तो मीडियम साइज़ के तोतों में ये सबसे बड़ा है। इसका जो लेंथ है वो 56 से 62 सेंटीमीटर तक जा सकती है, और ये कुछ 200 से 300 ग्राम तक का हो सकता है। मेल जो होता है उसके नेक के अराउंड रिंग होती है, और जो फीमेल होती है उसकी नहीं होती है, रिंग नेक्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इनकी जो चूँच होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और रेड होती है काफ़ी ज़्यादा, और इनके परों पे भी रेड कलर होता है, आप इस तस्वीर के अंदर देख भी रहे हैं जैसा कि। और रिंग नेक्स जो होते हैं वो काफ़ी इनसे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन साइज़ में भी छोटे होते हैं, और उनके परों पर भी ये रेड कलर का निशान नहीं होता। और ये अलेक्जेंड्रीन जो है, इसके हैबिटेट की बात की जाए, होम की बात की जाए, तो इसका साउथ एशिया होम बनता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ETC, इस तरह के सारे कंट्रीज पास वाले जो सारे हैं, ये इसका हैबिटेट है। और यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी ये होते हैं, आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, अर्बन एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ही नज़र आते, लेकिन रूरल में कहीं फिर भी नज़र आ जाते हैं। और इसको एक और बात मैं बताना भूल गया, इसको कश्मीरी तोता भी कहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में इसे कश्मीरी तोता भी कहते हैं, रात तोता भी कहते हैं, और अलेक्जेंड्रीन तो ओवरऑल ही कहते हैं ना। इसकी म्यूटेशन की बात की जाए तो म्यूटेशन में सबसे पहला तो कॉमन आता है, जो कॉमन है सिंपल अलेक्जेंड्रीन पैरट, जो ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा सा ग्रेश ग्रेश उसका एब्डोमिन होता है, ग्रेश, बाकी ये ग्रीन होता है, परों के ऊपर रेड कलर के निशान होता है। सेकंड म्यूटेशन में इसका आता है येलो या लुटिनो अलेक्जेंड्रीन, ये भी काफ़ी रेयर म्यूटेशन है, इसकी म्यूटेशन में से एक है येलो, ये पूरा येलो होता है, लेकिन इसके नेक के अराउंड रेड कलर की वो होती है, रिंग होती है, और परों पे उसी तरह ही रेड होता है जैसे कि नॉर्मल वाले के होता है। और ये ग्रे अलेक्जेंड्रीन पैराकीट्स भी होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत कम ये देखने में आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इस म्यूटेशन को बनने के लिए। तो ये ग्रे कलर का होता है, वो जो ग्रीन कलर है वो रिप्लेस हो जाता है कम्प्लीटली ग्रे से, ब्लू अलेक्जेंड्रीन पैराकीट। तो ये ब्लू कलर में भी आता है, वही ग्रेश चेंज करता करता ब्लू में आ जाता है, लेकिन एक इसमें बात है, इसमें जो रेड कलर है वो भी चेंज होकर वाइट में हो जाता है, जो रिंग के जो नेक के अराउंड होता है, और जो परों पे होता है वो ग्रेश होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख रहे होंगे। और आखिर में लॉसविंग अलेक्जेंड्रीन पैराकीट, ये ग्रीन येलो में मिक्स होता है उसकी विंग्स में, तो लॉसविंग वैसे उसी म्यूटेशन को कहते हैं जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि वो मिक्स है। तो ये है लॉसविंग अलेक्जेंड्रीन पैराकीट। अच्छा, तो इसकी लास्ट म्यूटेशन की बात की जाए तो पाइड अलेक्जेंड्रीन पैराकीट, ये येलो में, ग्रीन में, और भी डिफरेंट में पाइड, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं पाइड, बाकी भी तोतों में म्यूटेशन होती हैं, इसमें भी है वैसे ही म्यूटेशन। ये अब बात करते हैं इसकी ब्रीडिंग्स की। तो ब्रीडिंग सीज़न गाइस इसका नवंबर से अप्रैल तक रहता है, हर साल ये ब्रीडिंग करते हैं। और जो ये अलेक्जेंड्रीन पैराकीट्स होते हैं, ये ढाई से तीन साल की एज तक में एडल्ट हो जाते हैं और ब्रीडिंग के काबिल भी हो जाते हैं। ये जो फीमेल होती है, फीमेल हैन होती है, वो 2 से 4 अंडे जो है वो एक क्लच में देती है, जो कि 24 दिन जिनको लगते हैं इनक्यूबेट होने के लिए, 24 दिन के बाद बच्चे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, या तो वो ख़राब हो जाता है, ज़ाया हो जाता है अगर इनफर्टाइल हो तो। जो चिक्स होते हैं वो तकरीबन 12 से 14 महीने लेते हैं कंप्लीट वीन होने पर,
और वो सेल्फ हो जाते हैं और खाना पीना भी वो खुद स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 12 से 14 महीने लग सॉरी महीने नहीं हफ्ते लगते हैं। और पेट्स की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे पेट्स हैं, अगर हैंड रेज किए हों तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सामने, ये मेरा अपना ही है ज़ाती, तो मैंने भी इसे हैंड रेज किया और काफ़ी ख़ूबसूरत ये होता है और बहुत अच्छे पेट्स हैं ये। और ये काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा साउंड्स जो हैं वो मिमिक कर सकते हैं, इनकी वोकैबुलरी इंडियन रिंगनेक से ज़्यादा होती है और ये जल्दी सीख सकते हैं उनसे। और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं ह्यूमंस के साथ और बोलते भी काफ़ी अच्छे हैं। अब इस आगे वीडियो मैं एक इस पे डाल रहा हूँ, वो वीडियो देखें, उसमें इसकी टॉकिंग की है, ये टॉकिंग करता है, वो मेरा ही है दरअसल पैरट, तो उसकी आप टॉकिंग सुने। मिठू 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 मे बेटे मिठू मे बेटे लाइफ स्पैन की बात की जाए तो लाइफ स्पैन इसकी अबाउट 40 ईयर्स है, 40 साल तक ये जिंदा रहता है अगर केयर के साथ इसे रखा जाए तो। अगर ज़्यादा हो तो फिर ये ज़्यादा भी अनयूजुअली जा सकता है ऊपर भी और नीचे भी आ सकता है, लेकिन एवरेज जो है वो 40 इयर्स के अराउंड है। कंजर्वेशन की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक ये जो है नियर थ्रेटन है, मतलब थ्रेटन नहीं है, ये इंडेंजर नहीं है लेकिन नियर थ्रेटन है। ये इसको इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम हो रही है क्योंकि हैबिटेट लॉस की वजह से अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है और डिफॉरेस्टेशन काफ़ी बढ़ गई है इधर पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ के ये इसका हैबिटेट और यहाँ ही ऐसा कुछ हो रहा है। और जो हुकूमतें हैं वो बिल्कुल इस पर फोकस नहीं कर रही हैं, वो अपने ही कामों में लगी हुई हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है इनके नियर थ्रेटन होने की। और ये एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपको पता भी ना हो, ये पाकिस्तान में, इंडिया में तो शायद आपने सुना हो बैन है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी ऑफिशियली वैसे बैन ही है, लेकिन फिर भी लोग बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, इनके बच्चे बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। और एंड पे आखिर में इसकी प्राइजेस की बात की जाए तो प्राइस जो है पाकिस्तान में तो इसका जो कॉमन है, कॉमन ग्रीन है, उसकी तो सिर्फ़ तो नहीं कहना चाहिए वैसे 50,000 पर पेयर तक इसकी कीमत होती है। अगर येलो की बात की जाए तो येलो मेरे ख्याल में अराउंड 2 लाख के अराउंड के करीब इसकी पेयर की प्राइस है, जो कि बहुत कम मिलता है, पाकिस्तान वगैरह में तो मिलता ही नहीं है मेरे ख्याल में। जो कि कॉमन वाला होता है वो तो वैसे ही बहुत कॉमन है ना, हर जगह मिल जाता है आपको ये, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। शुक्रिया।